लोग आई होप कि सारे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। टाइम हो गया है 12 और नेक्स्ट ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी इस टाइम पे। इसी दिन का पहले वाला ब्लॉग जो है वो पिछले कल अपलोड हो चुका है और आज के दिन ये वाला ब्लॉग अपलोड हो रहा है। तो जनाब, जैसे कि आपको पता है कि हम आए अपने बगीचे पे, ठीक है, जो कि आना से काफ़ी दूर है और हाइट में भी बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग आए थे वैसे देखने, पेड़ पौधों के हाल देखने आए थे, सेब के हाल देखने आए थे कि सेब कैसे लगे हैं, और जो कलम की होती है वो देखने आए थे कि कलम रुकी है या नहीं रुकी है, ये सब देखने आए थे। तो हमने सोचा कि घास भी ले जाते हैं साथ में, आनस में घास का अकाल है ऑलमोस्ट, तो हमने सोचा था कि चलो घास भी ले जाएंगे साथ में। तो ये और मैं, हम दोनों ही थे मेन कैंडिडेट जो है। तो बस अब घास निकालने जाएंगे और पेड़ वगैरह देखने का टाइम तो लगेगा नहीं, पता नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा, बट देखते हैं क्या होता है। अभी तो घास ही निकालना है, पहले टारगेट रखा है हमने कि 12-12 पूले निकालने हैं हमने, और 12-12 में भी शायद उठा ही लेंगे हम, पर भारी होता है हरा घास और हाइट का घास तो ज़्यादा ही भारी होता है। तो लेट्स सी क्या होता है, कितने निकालते हैं कितने नहीं निकालते। चलिए इसके ऊपर वाला तो ये ऊपर देखो लाल छत मनीष सोनी यहाँ घर में यहाँ पार नागाधार ये दिख रहा है ये नागाधार ये कौन सा एरिया दुरा है? है ये दुरा है पार कौन सा? हाँ दुरा ये दुरा वो राखी की शादी भी हुई है ना इधर? हाँ उसके इधर गोरा तरफ गोरा का है गोरा इधर गोरा गोड़ ऊपर ये वही वाला ये आया खून भूखून क्या क्या पड़ता है इधर मैं आया हूँ मैं आया यहाँ तक कुछ नहीं इधर कौन सा ये देखो बार दुरा की देवी के साथ मैं आया ये पारिस जंगल में ऊपर वाले गांव तक पैदल है इधर को पहले टंडे भी जाते थे पैदल वो क्या है जहां यहां पानी निकलता है भाई हालत खराब है पैदल चल चल टंडे जहां पानी निकलता है ना का क्या है वो काफी पानी कहां थालेस काटना पर थालेस काट गई यार हां जी जनाब रेडी स्टडी गो हम चल पड़े अब घास काटने और ये पलटन पता नहीं अपने पीछे क्या क्या बकबक करी जा रही है इनका अपना ही रोना चल है यहां इनका अपना रोना चला है और ये मैंने शर्ट पहन लिया मेरा हाँ बाजू का सूट है ना तो मैंने बाहर से शर्ट पहन लिया सो दैट की बाजू ना चले और अब हम शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम घास की मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है राहुल बताता जाएगा कौन सा घास काटना है कौन सा घास नहीं काटना है तो ये वाला घास तो ऐसे भारी होता है बहुत ज़्यादा ओके फिर जाओ तो पुराने बगीचे में चलो देखते हैं क्या होता है चलो यार अब काट लेते हैं अगर ना इस टाइम पे बनाना इस टाइम पे अगर छोड़ दिया ना फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा काटते हैं घास अभी घास ही काटेंगे सबसे पहले पूरा फिर घर भी घास तो बहुत है यार इतना लालच बढ़ रहा है घास का तो ना काश यहाँ पे घर होता तो मैंने दो दो लालियां पाल लेनी थी एक लाली तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे पालने के लिए इतना आसान है इधर घास ही घास है चारों तरफ और नजदीक है बिल्कुल घर के कोई टेंशन ही नहीं थी किधर जाने की जरूरत भी नहीं थी जब मन की काट के लाया घास डाला सीधे और क्या ये मसर कहाँ से आया इसमें का है मसर वो ये मसर तो क्या है घास है ये शिमी है ये खाने के लिए घास आदमी खाने के लिए पेड़ों के नीचे थोड़ा पानी पानी वाला है हाँ बारिश हुई है ना तब इस चित्र में बड़े पेड़ इसमें कुछ ये भी चल जाना नहीं नहीं हाँ जी जनाब टाइम हो गए 1:23 और हम हो गए फ्री घास काट के ये लगाई है ढेरी तो 10 पूड़े मैंने किए हैं और 10 पूड़े राहुल ने कर दिए वो रखे वहाँ पे पहले हमारा इरादा था कि 12-12 करेंगे बट भारी बहुत ज़्यादा है और थोड़े बड़े बड़े भी बनाए हैं तो 10-10 ही कर रहे हैं हम लोग पहले 12 करने का लालच आ गया था हमारे मन में क्योंकि घास इतना है ये देखो घास देख के तो ऐसा लालच आ रहा ना ये देखो आनस में ऐसा घास देखने को नहीं मिलता है भाई साहब इसीलिए लालच बढ़ रहा है ऐसा घास तो सही बात है शो जद नो ना नहीं होता है इसीलिए लालच बढ़ रहा है देख देख के कि ये देखो कितना ज़्यादा घास है ऐसा मन कर रहा है ना कि सारा ले जाना था ये उठा के बट क्या करें हमारे हालात ऐसे है और हमारी कैपेसिटी इतनी है कि हम 10 ही ले जा सकते हैं और 10 ये रख दिया ढेरी लगा के अब जाएंगे पहले खाना खाएंगे आराम से बैठ के क्योंकि इन दोनों निकम्मों ने तो कुछ नहीं तोड़ा है
बैठे बैठे है, है? शक्ल नहीं दिखाता अपनी, दिखा अपनी शक्ल तेरी, ये स्टाइल मारी है। हाँ जी राहुल जी, कैसा लग रहा है फिर? फीलिंग गुड? बेटर। चलो अच्छी बात है। पानी खत्म, वैसे कुट पड़ेगी, पानी खत्म, नीचे जाएगा नाले में, खत्म है। चलिए जनाब अब जाते हैं, अब हम भरतू बिलान बाद। हाँ अब बिलाना नहीं बाद राटी। हाँ जी जनाब, ये देखिए पेड़ दिखा देती हूँ पहले, कितना पुराना है और कितना बड़ा है ये पेड़। टी ऊनी 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 आसमान की ऊंचाई छूता हुआ ये पेड़ घर के बिल्कुल सामने है, और बहुत ही ठंडी ठंडी हमें छाया देता है और बहुत ही अच्छी हवा देता है। ये देखिए आसमान की चोटी को चूर छू रहा है, ये देखिए कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत पुराना भी है, बुज़ुर्ग पेड़ है काफ़ी ज़्यादा। हाल भाई पैरों के आग लग रही है पैरों में, उफ 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 उफ। द्राटी से हो जाएगा ये, तभी बोरी दिले आती हूँ नीचे, सुना नहीं तब। पहले मर रही हूँ मैं, हवा कहाँ है, हवा तो है ही नहीं है। फोन करते अभी, सिग्नल कम है यार। वायु देवता क्या प्रॉब्लम है, क्या बेरू लगे आपको? काम तो हम कुछ किया नहीं है, हम कुछ नहीं किया निकम्मों को, इनको भूख लगी। दोनों को, हम मुझे भूख नहीं लगी थी क्योंकि मैंने वो नमकीन भी खा ली थी और चिप्स भी खा लिया था, कुरकुरे भी खा लिया था, बट अगर इनको भूख लगी है तो मैं खा ही लेते हैं। इतनी सब्जी भाभी आपने? बस इतनी सी लाई है, अचार इसमें डाला बहुत सारा। लोग खाने वाले, अब हम खाना खाने जा रहे हैं। मेरे को बोल देते बहुत है, कम होगा तो बोलियो, चिल्ला मत, ठीक है? की तुम्हें समझ बहुत है ये, ठीक है ना? अचार इतना भर के इसमें डाला, कितना खाओगे अचार? दो करो इसको, डालो डालो डालो, डालना क्या खाया है, चुपचाप नीचे इसमें रखो और क्या। तो अभी हम लोग लगे हैं लंच करने, टाइम बता दू? टाइम दो पहुंचने गया हूँ वहां से मैं, पर हम जाली को गए, तू बार पैदल गए थे हम, पर तू जाली को गया ना, तू उल्टा। मैंने नहीं लिया, अभी तूने लिया चैन से सांस, मैंने कहा लिया नहीं। चलो शीले बंगले ले जाओ फिर मेरे को, तब चलेंगे अभी। हाँ सामने कोई रिस्पॉन्स आता? हेलो दावेश ने खाया फिलहाल, पंगा ले चलो मेरे को, मैं नहीं गई हूँ। कुछ नहीं है, यही है जंगल जो आपने देखा, बस ऐसा से एक रेस्ट हाउस है। ओए मैंने खाना था ये चार का महीना कहीं का, अब नहीं आना कुत्ता कहीं का मुंह से निकाल के दे रखा है इसको। थोड़ा सा और थूक लगा के दे। बदतमीज साला। ये चाकू में नहीं, ये रजत के लिए मेन चक से, यहां से पर ऐसे बोरू लाओ तो यहां से अभी तक क्यों घर के पीछे बोरू और दे और ला वो बोरू ला पर ऐसे, इनकी स्कीमें चल रही है, मैं यहाँ से नहीं चकूंगा, मैं वहां से चकूंगा, एक बोलता यहाँ से चक के फायदा, यहाँ अकेले अकेले मोड़े नीचे तो गांव में उठाना पड़ेगा। और ला पर ऐसे बोरू, अब तुम्हारी स्कीम में जानती हूँ मैं, तुम दोनों नैले पे दैले गाँव में नहीं उठाना था इन्होंने, यहाँ उठाना था अकेले जैसे में बैठ को हो गए 10 पूड़े तो काम जो लग रही है तो बहुत है बे। सारे लाए आपने वहां से? ये तो गड्डी में ऐसी आ जाएगी बांध के भी, बांध के सारे सारे लाए आपने? हाँ जी, ये लग रहा है अब मेरे वाला बूझा, ये मुझे नहीं आता है। एक इधर को एक लगाते लगाते छूट गया था बेचारा, फिर दोबारा बांधना पड़ा इसको।
ये पुटला जैसा भी छूटने वाला। ये देखो द्वारा द्वारा बांधने पड़ रहे हैं। ठीक निकली तेरे लिए उठी बढ़िया है वो तो लगे पता उठा के बढ़िया है सड़िया है। मेरे कांटा गया शायद हाथ में। ये कैसी है बढ़िया है। पापा की परी को पता लगना चाहिए उठा के। ये छूट सकता है नहीं छूटेगा बांध के नहीं छूट पाए। इधर आओ पहले उठो सही यहाँ से। यहाँ उठने के लिए अच्छा है इसलिए लगाया है यहाँ पर कांटे पे नीचे। अरे 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 कांटे में फंसा यहाँ आमदान हाथ की बात सही पता नहीं रास्ते से बैठ नीचे बैठो पहले बैठो सही यहाँ पहले अंदर नहीं है सीधे पर ऊपर चलो तेने बड़ा ऊपर किया ऊपर ही होना चाहिए तेरा मुंडा ले फिर तू हाथ से टाइट टाइट होते हुए इसमें तो खून रुकता है। उठो बस कल तो ऐसे उछना नहीं सिर पर नहीं इनको सच में नाभि की भी प्रॉब्लम है। इतने लंबे शरीर पे इतने के बोझ आ गया जचता है। अरे साइड की रस्सी चुभ तो चुभेगी और क्या बारह पूरे होने चाहिए थे पूरे है ना और क्या हल्का है बाकी तो ठीक है हल्का भारी है ठीक है तो रुकेंगे दो पूरे और निकालू तो रस्सी तो चुभती है वह अंदर से भी चुभती है अंदर से ज्यादा चुभती है। दोनों जच रहे हैं वाओ सो नाइस कितने अच्छे लग रहे दोनों।